हेलो एवरीवन, मैं आपका रीत आपका दोस्त बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने अडल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेविगेशन राउट्स को अपने एप्स में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नेविगेशन राउट सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उससे अच्छा ग्राफिक्स दिख जाता है हमारे एप्स का एंड सबसे वो इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करता है आज के वीडियो एंड देखते हैं कि नेविगेशन ड्रॉवर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेविगेशन ड्रॉवर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाना है एंड कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटी चूज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी को चूज कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम एंटर करना होगा। तो मैं नेविगेशन ड्रावर एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ से आप पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो। सपोज आपको पैकेज नेम चेंज करना रहा तब। तो हमारा यहाँ का वर्क कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम एंटर कर दिया है एंड आप यहाँ से पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने लोडिंग प्रोजेक्ट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो अभी ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक URL प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ कोड ओपन हो जाएगा। तो मैं उस कोड को सबसे पहले नोटपैड में ओपन करके बताता हूँ। आपको इस कोड की URL में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इस कोड को सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में एंड नेविगेशन ड्रावर को क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको जो स्टेप दिखाई दे रही है स्टेप वन, आपको सिर्फ इस डिपेंडेंसी को कॉपी करना होगा एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल में पेस्ट करना होगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में चला जाता हूँ एंड ग्रेडल स्क्रिप्ट में क्लिक कर देता हूँ एंड बिल्ड डॉट ग्रेडल को ओपन कर देता हूँ। जैसे हम बिल्ड डॉट ग्रेडल को ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है डिपेंडेंसीज में एंड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बट आपको ये ध्यान में रखना है आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ एंड सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगी एंड थोड़ी देर में ग्रेडल बिल्ड भी फिनिश हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा बिल्ड सक्सेसफुल इन 87। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड जो भी हमारा इंटरनेट था इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारा बिल्ड डॉट ग्रेडल का वर्क हो गया है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हम अगेन कोड में चले जाते हैं एंड जो स्टेप टू में दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग, इसको हम कॉपी कर देते हैं। तो मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड जो भी आपको रिसोर्स फाइल दिखाई दे रही है मैं इसको ओपन कर देता हूँ एंड वैल्यूज में क्लिक कर देता हूँ। स्ट्रिंग डॉट एग्जाम्पल को इस फाइल को ओपन कर देता हूँ एंड स्ट्रिंग के नीचे जो भी हमने अभी तक कोड कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हम कोड में चले जाते हैं एंड स्टेप थ्री को ओपन करते हैं। तो हमें सिर्फ इस कोड को कॉपी करना होगा स्टाइल नेम एंड स्टाइल डॉट एग्जाम्पल में जाके हमें इस कोड को पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगेन हमें कोड में जाना होगा, नोटपैड ओपन करना होगा एंड स्टेप फोर क्रिएट अ मेनू रिसोर्स डायरेक्टरी। हमें मेनू नाम की रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट में आना होगा एंड रिसोर्स में क्लिक करना होगा। इसमें राइट क्लिक करना होगा एंड न्यू पे एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक करना होगा। इस पर हमें सिलेक्ट करना होगा एंड यहाँ से मेनू नाम की जो फाइल दिखाई दे रही है इस पर हमें क्लिक करना होगा एंड ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारी मेनू नाम की रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अगेन हमें नोटपैड में जाना होगा एंड जो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में दिखा रहा है क्रिएट अ नेविगेशन मेनू डॉट एग्जाम्पल, तो हमें नेविगेशन मेनू इस नेम की मेनू डॉट एग्जाम्पल फाइल क्रिएट करनी है। तो हमें मेनू में जाना होगा एंड इसमें राइट क्लिक करना होगा, न्यू पे क्लिक करना होगा, मेनू रिसोर्स फाइल को सिलेक्ट करना होगा एंड फाइल नेम में जो हमने कॉपी किया था नेविगेशन मेनू इसको हमें पेस्ट करना होगा एंड ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारी मेनू जो फाइल थी नेविगेशन मेनू वो क्रिएट हो चुके है। अगेन हमें नोटपैड में आना होगा एंड नेविगेशन मेनू के कोड को कॉपी करना होगा।
तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मेनू तक कंट्रोल सी से, एंड जो भी हमारा कोड था नेविगेशन मेनू इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड जो हमने कंट्रोल सी से कोड को कॉपी किया था यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगेन मैं नोटपैड में चला जाता हूँ एंड आप देख सकते हो स्टेप फाइव में क्रिएट ऑल आइकन्स ऑफ एरर इन ड्राइवर। जो आपको यहाँ पे एरर शो हो रहे हैं वो आइकन के कारण हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ड्राइवर फाइल में हमें आइकन क्रिएट करना होगा वेबसाइट फेसबुक रेट प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स मोर इस नेम से। तो मैं सबसे पहले वेबसाइट के नेम को कॉपी कर देता हूँ एंड ड्राइवर में चला जाता हूँ। इसमें राइट क्लिक कर देता हूँ, न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ एंड वेक्टर असेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्लिप आर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे आपको यहाँ से कोई भी आइकन चूज करना है, तो मैं वेबसाइट के लिए यहाँ से मैं इस आइकन को चूज कर लेता हूँ एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ। एंड नेम में आपको जो हमने वेबसाइट को कॉपी किए थे वेबसाइट नेम को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ वेबसाइट, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ एंड मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे जो भी हमारा एरर था वो वेबसाइट @drawable वेबसाइट से नेम से हमने आइकन जैसे क्रिएट किए हमारा एरर अभी कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका। तो अभी हमें सेम फेसबुक रेट शेयर प्राइवेसी टर्म्स मोर सबके लिए हमें आइकन क्रिएट करना होगा, तो मैं सबके लिए आइकन क्रिएट कर लेता हूँ। अगर सपोज आपको ड्रॉएबल फाइल में क्रिएट नहीं करना होगा तो आप कोई भी गूगल में सर्च कर सकते हो फेसबुक नाम से, आपको PNG डाउनलोड करनी होगी एंड ड्रॉएबल फाइल में पेस्ट करना होगा एंड उस आइकन का नाम आपको फेसबुक रखना होगा। आप ड्रॉएबल फाइल में भी आइकन को क्रिएट कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट से या फिर गूगल से सर्च करके ड्रॉएबल फाइल में उसको पेस्ट कर सकते हो। तो मैं अभी ऑल जो भी आइकन यहाँ पे एरर शो हो रहे हैं इसको मैं क्रिएट करके बता देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने पूरे जो भी आइकन एरर शो हो रहे थे वो अभी आइकन मैंने ड्रॉएबल फाइल में क्रिएट कर दिए, इसलिए हमारे जो भी एरर थे वो अभी कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुके हैं। तो मैं अभी अगेन कोड में चला जाता हूँ नोटपैड में एंड आपको जो स्टेप 6 दिखाई दे रहा है क्रिएट अ लेआउट ड्रॉबर लेआउट डॉट एग्जाम्पल, हमें ड्रॉबर लेआउट नेम से एक लेआउट क्रिएट करनी होगी। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ड्रॉबर लेआउट नेम को एंड लेआउट फाइल में मैं चला जाता हूँ एंड इस पर क्लिक करता हूँ एंड न्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे आपको लेआउट रिसोर्स फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे आपको फाइल नेम में जो हमने ड्रॉबर लेआउट कॉपी किया था इसको हमें पेस्ट करना होगा एंड ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे आपको स्प्लिट में क्लिक करना होगा। जो भी आपको यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से रिमूव करना होगा। मैं कंट्रोल ए से एंड बैकस्पेस से मैं रिमूव कर देता एंड नोटपैड में चला जाता हूँ एंड जो भी ड्रॉवर लेआउट डॉट एग्जाम्पल का कोड दिखाई दे रहा है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल एंड सी से कॉपी कर देता हूँ एंड ड्रॉवर लेआउट में चला जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ड्रॉवर लेआउट हमारा लेआउट अभी क्रिएट कम्प्लीटली हो चुका है, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पैकेज नेम हमने जो दिए थे जो मैंने क्रिएट किया था वो डिफरेंट था एंड जो हमने अभी न्यू पैकेज नेम किया था वो अभी डिफरेंट है, इसलिए मैं पैकेज नेम को सबसे पहले कॉपी कर देता हूँ नेविगेशंस ड्रॉवर एंड ड्रॉवर लेआउट में यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। अगर सपोज आपके इसमें भी एरर आता है तो आप यहाँ पे अपना पैकेज नेम एंटर कर दीजिए। अभी मैं स्क्रोल कर देता हूँ एंड मैं अभी नोटपैड में चला जाता हूँ। आपको यहाँ पे स्टेप 7 में क्रिएट अ लेआउट न्यू हेडर, आपको न्यू हेडर नेम से आपको लेआउट क्रिएट करनी होगी। तो मैं न्यू हेडर को कॉपी कर देता हूँ एंड लेआउट में जाके राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन में मैं लेआउट रिसोर्स फाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड जो हमने
नेम कॉपी किया था यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ नेम हेडर को एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा नेम हेडर के नेम से लेआउट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ एंड जो भी नेम हेडर के कोड आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो न्यू हेडर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगेन हम नोटपैड में चले जाते हैं। अभी लास्ट स्टेप है स्टेप 8। हमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जो भी आपको यहाँ पे कोड दिखाई दे रहा है हमें इसको कॉपी करके पेस्ट करना होगा। तो मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर देता हूँ जो ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नीचे है। तो इस कोड को मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल सी से एंड मेन एक्टिविटी डॉट जावा में मैं चला जाता हूँ एंड जो यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्टिविटी है इसके नीचे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया है। अगेन हम नोटपैड में चले जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो r.layout.drawer layout आपको यहाँ पे भी सेम करना होगा r.layout.drawer layout। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ड्रावर लेआउट। अगेन हमें नोटपैड में जाना होगा एंड जो भी हमारा कोड है इसको हमें कॉपी करना होगा r.layout drawer layout के नीचे के कोड को। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। आपको कॉपी सिर्फ यहाँ तक करना होगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिंबल यहाँ तक ही। तो मैं इसको सबसे पहले कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ टूल बार से लेके तो यहाँ तक कंट्रोल सी कर देता हूँ एंड मैं r.layout drawer layout के नीचे में जो भी हमने कोड कॉपी किया था इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा का वर्क कम्प्लीटली हो गया है। बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं। तो एरर शो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने इसको अभी तक इम्पोर्ट नहीं किए। तो हमें सब पे अल्ट एंटर क्लिक करना होगा। जैसे हम अल्ट एंटर क्लिक करेंगे हमारा कम्प्लीटली एरर रिजॉल्व होते जाएगा। मैं सब पे अल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ अल्ट एंटर इम्पोर्ट क्लास। आपको जो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है ऐप कॉम्पैक्ट 1.20 आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे आप एंटर करोगे आपका टूल बार का भी एरर रिजॉल्व हो जाएगा। आपको यहाँ पे भी अल्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे आप सब पे अल्ट एंटर प्रेस करोगे आपके एरर कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे जो भी एरर थे अभी रिजॉल्व हो चुके हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट का वर्क कम्प्लीट हो चुका है। तो मैं सभी जो पेज है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है तो मैं अपने मोबाइल डिवाइस को प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करके बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा मोबाइल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 37 सेकेंड। अभी हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है तो थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मोबाइल डिवाइस में भी हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है एंड जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम था नेविगेशन ड्रावर यहाँ पे टूल बार में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको साइड में नेविगेशन ड्रावर का भी साइन विजिबल हो रहा होगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने नेविगेशन ड्रावर ओपन हो जाएगा। तो अभी हमारा नेविगेशन ड्रावर तो क्रिएट हो चुका है। बट अगर सपोज आपको नेविगेशन ड्रावर में जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है आईसी लॉन्चर का अगर आपको सपोज इसको चेंज करना होगा तो आपको लेआउट फाइल में नेव हेडर फाइल में आपको आना होगा। जैसे हम लेआउट के नेव हेडर फाइल में आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से अपने जो भी आपका ऐप का लॉन्चर है आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो। अगर सपोज आपको विजिट वेबसाइट फॉलो ऑन फेसबुक को भी चेंज करना है तो आपको मेन एक्टिविटी में जाना होगा एंड आपको यहाँ पे पूरे कोड विजिबल हो जाएंगे। अगर सपोज आपको फॉलो ऑन फेसबुक के नीचे फॉलो ऑन इंस्टाग्राम का भी कोड लगाना है तो आपको फेसबुक पेज के नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा एंड नीचे आपको कोड को पेस्ट करना होगा एंड इंस्टाग्राम का भी पेज आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो भी आपको सूटेबल लगे उस ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड इस तरीके से आप अपने ऐप्स में नेविगेशन ड्रावर को क्रिएट कर सकते हो।
तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि नेविगेशन ड्रॉवर अपने ऐप्स में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।